यूक्रेन में रूस के लेजर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। यूक्रेन में रूस के लेजर हमले का कोई संकेत नहीं, यह कहा अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने। रूस के लेजर वेपन से हमले के दावे को खारिज किया है अमेरिका ने। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, यूएस यूक्रेन भेजेगा हिमार्स और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहा है, $40 बिलियन के पैकेज के तहत यूक्रेन को हथियार मिलेंगे, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। तीसरी बड़ी खबर, रूसी फौज में अटैक ड्रोन्स और सर्विलांस ड्रोन्स की भारी कमी है, ये ब्रिटेन ने कहा है, यूके ने कहा है। ड्रोन की कमी से रूसी फौज का इंटेलिजेंस बेहद कमजोर है, ये ब्रिटेन कहता हुआ। चौथी बड़ी खबर आपके सामने, रूस ने अजोस्टल से रेस्क्यू कैदियों के नंबर ज्यादा बताए हैं, अपने ज्यादा कैदियों को छुड़ाने की रूस की साजिश है, ये अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है। यानी जो करीब 2500 वहां से सैनिक सरेंडर किए, उनको अमेरिका कह रहा है कि इनकी सैनिकों इनकी संख्या ज्यादा बता रहा है रूस। लेकिन चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, ये और भी बड़ी खबर है, इसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। खार्किव के कल्चरल सेंटर पर रूस का जबरदस्त हमला, ये तस्वीरें देखिए, मिसाइल हमले में 11 साल के बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। इमरजेंसी मेडिकल डायरेक्टर विक्टर जबाश्ता ने यह जानकारी दी। देखिए कैसे एक मिसाइल गिरती है इस सेंटर पर और कैसे इस कल्चरल सेंटर को नेस्तनाबूद कर देता है रूस। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन ने गोला बारूद यहां पर जमा किया था। आज जल्दी से कुछ और बड़ी खबरें, रूसी फौज ने यूक्रेन में की गुनाहों की इंतहा पार। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल का यह बड़ा आरोप है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इस साल रूसी नेवी को मिलेंगी 20 कॉम्बैट शिप, यह डेप्यूटी पीएम का कहना है। बिना ताकतवर नेवी के रूस का वजूद मुमकिन नहीं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, डोनबास से 13 लाख यूक्रेनी नागरिकों को जबरन रूस भेजा गया, यह यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है। रूस में यूक्रेनी नागरिकों के लिए बने 9500 अस्थायी सेंटर, यह यूक्रेन का दावा है। और इस बीच रूसी टैंक का लुहांस के से जुड़ी खबर है, रूसी टैंक का लुहांस के एक स्कूल पर जबरदस्त हमला, स्कूल में 200 से ज्यादा शरणार्थी थे, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।